तालुका के लोग अब कोरोना काल के दौरान हिंगनघाट रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेन स्टॉप को रद्द करने से नाराज है। और आज शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्याम इड़पवार ने स्थानीय उपविभागीय कार्यालय के सामने श्रृंखला उपोषण शुरू कर दी है। सामाजिक कार्यकर्ता श्याम इड़पवार ने आज सुबह से सीधी श्रृंखला उपोषण शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने रेल प्रशासन, जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को बार बार मांग के बावजूद गोरखपुर एक्सप्रेस, दक्षिण एक्सप्रेस और जीटी एक्सप्रेस जयपुर, नवजीवन एक्सप्रेस सहित मुंबई पुणे जाने वाली ट्रेनों को नहीं रोका। इड़पवार की 1500 वर्ग फुट के आवंटन की मांग, पुनर्वास अधिनियम के तहत प्रशासन द्वारा गाड़ियों को रोकने और झुग्गी वासियों को तत्काल आवंटित करने सहित पूर्व सैनिकों को भुगतान। चूंकि इड़पवार ने जनता के मुद्दे को उठाते हुए एक श्रृंखला उपोषण शुरू किया, इसलिए लोग इसके लिए समर्थन भी दिखा रहे हैं। निवेदन दिलो होता साहेबांना, तीन मागण्या होत्या आमच्या। एक मागणी होती झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत पट्टी द्या। चार चार जर असताना सुद्धा आतापर्यंत झोपडपट्टीच्या झोपडपट्टी धारकांना पट्टी देण्यात आलेली नाही आहे। त्याच्यामुळं मी आता 15-20 दिवसानंतर साहेबांना टाईम दिला, उपविभाग अधिकारी साहेबांच्या पत्राला मी मान देऊन काही दिवस थांबलो, 15-17 दिवस, परंतु माझ्या निवेदनाला न्याय नाही मिळाला। त्याच्यामुळं मी आता हे चांगलं उपोषण करतो। यांनी जर समजा 7 दिवसामध्ये जर माझ्या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर मी 8व्या दिवसापासून अन्नत्याग सत्याग्रह करणार। PCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।